बात का है कि इतने बुरे समय में भी इतनी अच्छी कविताएं सुनने को मिली। बुरे वक्त में, बुरे समय में बहुत सी चीजें बुरी हुई हैं, खराब हुई है। और मेरा संघर्ष हमेशा ये रहा कि मैं मेरी कविताओं को खराब होने से कैसे बचाऊं, लेकिन बचा नहीं पाया। मैं जिस तरह का रोमान मेरी पहली कविताओं में था वो लगभग समाप्त हो चुका है, वो रोमान नहीं है अब, वो बार बार आना जाता है, उसमें बुरी राजनीति आ जाती है। जबकि मैं चाहता हूँ कि मेरी कविता में अच्छी राजनीति आए, लेकिन हो नहीं पा रहा है, कई वर्षों से नहीं हो पा रहा है। ऐसी टूटी फूटी कविताएं हैं मेरे पास, उनमें से मैं आपको सुनाता हूँ। हाथ, ये कविता 50,000 होम गार्ड्स को नौकरी से निकालने के बाद लिखी गई। हमारी भाषा का सबसे निर्मम वाक्य है, कल से तुम काम पर मत आना। हमारी भाषा का सबसे निर्मम वाक्य है, कल से तुम काम पर मत आना। हाथों से छीनने वाले काम को इन 7 हत्यारे शब्दों की कोई सजा नहीं है। 7 शब्द, सांप जैसा एक वाक्य है जिसे सुनते ही पूरा शरीर सुन्न हो जाता है, अंधेरा छा रहा है आंखों में, खड़े रहने की ताकत नहीं बची है, बंद हुआ दरवाजा फुंकारता है, कल से तुम काम पर मत आना। 7 शब्द और शायद कुल मिलाकर 7 आदमी होंगे जो इतने हत्यारे और सत्ता के भूखे कि काम करते मनुष्यों के हाथों को पल भर में निर्जीव कर देते हैं। सिर्फ 7 लोग होंगे जिन किनके पास क्या है, पत्रकार, एंकर, विमर्शकार, लेकिन उनके तो हाथ बंधे हैं, कभी भी छीनी जा सकती हैं उनकी नौकरियां। ये नई नई नीतियां मालिकों के फायदे के लिए हैं, कामगारों के लिए नहीं है। मृत्यु जैसी संपूर्ण दुर्घटना के अभ्यस्त हो चुके हैं हमारे लोग। यह पक्षाघात तो सिर्फ एक शुरुआत है, हालांकि लोकतंत्र से विश्वासघात है ये। इसका मारा घर तो लौटता ही है, जानता है कि कल कहीं नहीं जाना है, फकत मुझे जिंदा रहना है, कल मुझे कहीं नहीं जाना है। कल से तुम मुझे प्यार मत करना, मैं बेकार हूं, कल से तुम मुझे प्यार मत करना। पहले लौटता था और तुम मेरा इंतजार करती थी, लेकिन अब कहीं नहीं जाना है। उन्होंने हमारे प्यार और हमारे प्यार के इंतजार की हत्या की है। केवल 7 शब्द और फिर 7 देशों के दौरे। मुश्किल से वे 7 लोग होंगे जिन्होंने तहस नहस कर दिया हमारा जीवन। वे इन हाथों से बनाई हमारी सीढ़ियों पर चढ़ते गए और जब सबसे ऊपर चढ़ गए तो फेंक दी वह सीढ़ी हमारे सिर पर। बहुत बारीक हैं ये शब्द जो लोकतंत्र की अनिवार्य शर्तों, मजबूरियों का बखान करते हैं। दूसरे देशों से मधुर संबंध बनाए रखने की नीतियों का गुणगान करते हैं, लेकिन इन हाथों का क्या करें जो इतने लकवाग्रस्त हैं कि खुदकशी के लिए भी नहीं उठ सकते।
सबसे कठोर है ये सच्चाई कि हमारे टुकड़े टुकड़े हुई यह जिंदगी अब किसी के काम नहीं आएगी। दूसरी कविता, तंदूर। बर्बर यूं ही नहीं आए थे, हमने उन्हें बुलाया था। एक तरह से तो हमने उनका इंतजार किया था कि वे आए और हमारी निष्क्रिय पड़ी देहों को छलनी कर दें, हमारी लिज़ली चेतना को रौंदे और अपना धार्मिक हर्षोल्लास व्यक्त करें। बर्बर यूं ही नहीं आए थे। क्या कभी किसी ने सोचा था कि हमारी दुनिया को एक तंदूर में बदल देंगे, रोज बरोज कुछ ऐसा हिंसक करेंगे कि हम गांधी को याद करेंगे? क्या कभी किसी ने सोचा था कि वे हमारी दुनिया को एक तंदूर में बदल देंगे, रोज बरोज कुछ ऐसा हिंसक करेंगे कि हम गांधी को याद करेंगे? यूं तो वे भी गांधी का नाम लेते हैं, क्योंकि गांधी से बढ़कर कोई निहत्ते होने का प्रमाण नहीं हो सकता। कोई तर्क या ढाल नहीं हो सकती जो उन्हें सच्चा साबित कर दे, इसीलिए वे गांधी का नाम लेते हैं। वे प्रहार से पहले ही प्रतिप्रहार की रणनीति बना लेते हैं, जबकि हिंसा और गांधी को एक साथ व्यवहार में जीना असंभव है। लेकिन हिंसा के बाद गांधी को पूजना तो संभव है। आइए दोस्तों, अब गांधी के नाम पर उपवास करें। मुर्दाबाद। एक दो हफ्ते में हर बार चीखना पड़ता है सड़कों पर, मुर्दाबाद। देखते क्या बना दिया तुमने इस जिंदगी को, पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, अंकल जी अब बस भी करो, घर कोई हो तुम्हारा तो चलते बनो, 5 मिनट में गवर्नर साहब का काफिला इधर से गुजरने वाला है। ये वाकया बिल्कुल असली है। मैं भी था इसमें। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, अंकल जी अब बस भी करो, घर कोई हो तुम्हारा तो चलते बनो, 5 मिनट में गवर्नर साहब का काफिला इधर से गुजरने वाला है। तुम थे भी इस काबिल कि मुर्दा जिंदगी को बड़े अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम तक खुद ही ढोते, तुम थे भी इस काबिल। मुर्दाबाद। फटे बैनर, फटे जूते, दिल ना जाने कब से फटे हुए। बिखरे दिमाग और भीतर की दहशत कि ना जाने तानाशाह समय हमारे साथ क्या सलूक करे, और दहशत कि ना जाने ये तानाशाह समय हमारे साथ क्या सलूक करे। एक बूढ़ा पिचका हुआ आटे का कनस्तर, बचाव अलगाव विस्मृति की बौद्धिक चतुराई में कोहरे जैसा लुढ़कता भागते यातायात की सर्विस लेन में। मुर्दाबाद। कहीं कहीं मुक्ति बोध का प्रभाव है। जुलूस में किसी ने कहा, दुश्मन बहुत कुटिल है, हमारी कमजोरी जानता है, कभी वर्ग की, कभी जाति की, कभी आपसी अहमों की, और कभी हमारी हीन ग्रंथियों की, वह सब कुछ जानता है। इसीलिए अब सिर्फ मुर्दाबाद कहने से ही काम नहीं चलेगा। तुम्हारी जिंदगी है तो तुम में आशा है, मौत से बड़ा डर तो अब कोई नहीं है। सबको घरों में नजर बंद करेंगे तो आकाश तो तुम्हारा हो गया। सबों को घरों में नजर बंद करेंगे
तो आकाश तो तुम्हारा होगा, देखने को चीखने को मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यह सहन शक्ति, यह दिशा भ्रम, यह सहन शक्ति, यह दिशा भ्रम, यह आत्मरक्षा, यह सुविधावाद, यह सुविधावाद, यह टेक्नोलॉजी की मिथ्या चेतना और गैर बराबरी, यह फरेबी इंतजार मेरे घर लौटने का मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भोपाल उन लोगों का है जहां बताज भोपाली से लेकर फजल ताबिश तक और इजलाल मजीद तक, और इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं कि अशोक वाजपेयी से लेकर राजेश जोशी तक और राजेश जोशी से संतोष चौधरी तक एक बड़ी परंपरा इस शहर में है, और इसका एक खास रूप है जो फजल के एक शेर में मिलता है और जो विश्वरंग में भी है। वो शेर कुछ यूं है कि सिवाय प्यार के कोई हुनर नहीं सीखा, सिवाय प्यार के कोई हुनर नहीं सीखा, बहुत ना सीखना हमको कमाल रास आया। फिर भी कुछ कविताएं, महेंद्र गगन और मुकेश जी ने कहा कि एक कविता तो जरूर ही सुनाऊं, तो मैं वहीं से शुरू करता हूं। दुनिया में कम से कम दो चार दोस्त तो ऐसे हों जो रास आए अपनी कमजोरियों, दुनिया में कम से कम दो चार दोस्त तो ऐसे हों जो रास आए अपनी कमजोरियों में, हंसे इतना खुलकर कि उनमें मक्कारी ना हो, हंसे इतना खुलकर कि उनमें मक्कारी ना हो, बात करें तो बस ठीक सामने, आंखें घूमे ना किसी और तरफ शिकारी सी, बात करें तो बस ठीक सामने, आंखें घूमे ना किसी और तरफ शिकारी सी, करो ये सब भी तो कोई उजर नहीं, इंतजार ना करो किसी की पीठ घूमने का, करो ये सब भी तो कोई उजर नहीं, इंतजार ना करो किसी की पीठ घूमने का, घूमने पर जो करोगे वार, घूमने पर जो करोगे वार, तो बस रह जाएगा इतना सा मलाल कि होते हुए विदा बेचारा न देख सका तुम्हारी आंखें, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी आंखें। इसी की एक और छोटी सी कविता है, दरअसल मैंने छोटी छोटी कविताएं बहुत लिखी हैं। नहीं नहीं, सांप के काटने से नहीं हुई ये देह नीली, नहीं नहीं, सांप के काटने से नहीं हुई ये देह नीली, कल रात मैं अपने दोस्त के साथ था, कल रात दो एक कविताएं और। ये दुनिया हमने छोड़ दी चोरों के भरोसे, ये दुनिया हमने छोड़ दी चोरों के भरोसे, क्योंकि चोरों को एक होने में समय नहीं लगता, क्योंकि चोरों को एक होने में समय नहीं लगता, और ईमानदार कभी एक नहीं होते, कभी एक नहीं। एक कविता और, ये जो इतने युद्ध चल रहे हैं, अभी हमने सीरिया में देखा, उसके पहले अफगानिस्तान में देखा, उसके साथ विस्थापन देखे, तो ये एक राज की कविता है। ना गोलियां चल रही हैं, ना बम गिर रहे हैं इलाके में, ना गोलियां चल रही हैं, ना बम गिर रहे हैं इलाके में, ना तोपों की आवाज बुलंद है, ना अजनबी छायाएं हैं आसपास, हमारा घर आज खौफ में नहीं है, हमारा घर आज खौफ में नहीं है, ना ही कोई बड़ी खबर हमले की आज, आज की रात, आज की रात आओ
प्यार कर ले जी भरकर। आज की रात आओ प्यार कर ले जी भरकर, न जाने कल ये रात नसीब हो कि ना हो। पर बिना कुछ बताए हुए ये संतोष जी और उनकी उम्र के लोगों के लिए अभी इतनी देर भी नहीं हुई कि आसमान छू ना सके, अभी इतनी देर भी नहीं हुई कि आसमान छू ना सके, कि एक तस्वीर बना ना सके, कि एक दोगाना लिख ना सके, कि चटोरेपन में जिंदगी खोज ना सके, कि चाय घर में दोबारा बैठ ना सके, कि जो सोचा हो पूरा कर ना सके, कि जो सोचा हो पूरा कर ना सके। यार हम कमान से निकला तीर नहीं, यार हम कमान से निकला तीर नहीं, निकल गया यार हम कमान से निकला तीर नहीं, हम हैं उम्र के मोहताज नहीं, उम्र के आखिरी कविता, इसका शीर्षक है एवई। एवई, बार बार माथा फोड़ी करते हुए सोचता हूं अक्सर, एवई तो नहीं हो गया ये सब। बार बार माथा फोड़ी करते हुए सोचता हूं अक्सर, एवई तो नहीं हो गया ये सब। मसलन देखने की दीवानगी इस कदर, मसलन देखने की दीवानगी इस कदर, भले ही चोरी छुपे और पढ़ने की चोरी शुदा ये खपत, और पढ़ने की चोरी शुदा ये खपत, यकीनन इतनी खूबसूरती कि अपने ही पर फिदा होने का ख्याल जो रोज रोज होता है, ऐ वही तो नहीं हो गया। बार बार अपने पर फिदा होने का ख्याल जो रोज होता है, ऐ वही तो नहीं हो गया। ऐ वही तो नहीं हुआ अपनी तरह से हम किनार की खुद को भूलने और उसे बार बार और याद करने का सबब कुछ ऐसा तारी कि ये एहसास का सबब बन बैठा। ऐ वही तो ये जादू नहीं हुआ कि मैं किसी पिंजरे का परिंदा हुआ और ये सोने चांदी का नहीं बल्कि एक बया का सा है, मानो मेरी मनमानी तमन्ना गा। ऐ वही तो शुरू नहीं हुआ साहब अब जैसे तुम्हारा भी चुपके चुपके ताकना, ऐवई तो नहीं हो गया ऐसा सब जैसे अब तुम्हारा चुपके चुपके ताकना, रूठना और बिसरना और झगड़ना। पर अब क्या क्या बताऊं यार, मां कसम ऐवई तो नहीं हुआ, मां कसम ऐवई तो नहीं हुआ ऐसा। अब चलो एक तरफा सही है फितूर, लेकिन मेरे लिए तो यदि है पागलपन भी है तो माशाल्लाह बहुत खूब। अगर मेरे लिए यह पागलपन भी है तो माशाल्लाह बहुत खूब, और इतना इतना कि हठात कह उठती है ये कायनात, और इतना इतना कि हठात कह उठती है ये कायनात, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शुक्रिया। आदरणीय ऋतुराज जी और साथ में मंच पर उपस्थित मेरे मित्रों, सुबह सुबह मुझे आज एक बहुत पुरानी कविता याद आई, जो याद ही रहती थी इसको बीच में भूल गया था, उसी से शुरू करूंगा। दक्षिण से देखो हम मध्य में दिखेंगे, मध्य से देखो हम वाम में दिखेंगे, दक्षिण से देखो हम मध्य में दिखेंगे, मध्य से देखो हम वाम में दिखेंगे, वाम से देखो हम होंगे अदृश्य, जब हम होने लगे अदृश्य तो मित्रों अपने चश्मे बदलिएगा। ये कविता बहुत एक समय में काफी हिट हुई और इसका शीर्षक है आना जब मेरे अच्छे दिन हो,
और ये अच्छे दिन डेफिनेटली प्रधानमंत्री के अच्छे दिन के बहुत पहले लिख दिए गए हैं, तो उससे इसको जोड़ा ना जाए। ये कविताओं की एक श्रृंखला है और इसे आप देखेंगे। आना जब मेरे अच्छे दिन हो, किसका नाम है? आना जब मेरे अच्छे दिन हो, जब दिल में निष्कपट ज्योति की तरह जलती हो तुम्हारी क्षीण याद, और नीली लौ की तरह कभी कभी चुपती हो इच्छा। जब दिल में निष्कपट ज्योति की तरह जलती हो तुम्हारी क्षीण याद, और नीली लौ की तरह कभी कभी चुपती हो इच्छा। जब मन के अछूते कोने में सहेजे तुम्हारे चित्र पर चढ़ी न हो धूल की परत। आना जैसे बारिश में अचानक आ जाए कोई अच्छी सी पुस्तक हाथ, या कि गर्मी में छत पर सोते हुए दिखे कोई अच्छा सा सपना। दो, जब दिमाग साफ हो खुले आसमान की तरह और हवा की तरह स्पष्ट हो दिशाएं, समुद्र के नीले विस्तार सा विशाल हो मन और पर्वत सा अधिक हो मुझ पर विश्वास। आना तब वेगवान नदी की तरह मुझे बहाने, आना जैसे बादल आते हैं रूठी धरती को मनाने। आना जब शहर में अमन चैन हो और दहशत से अधमरी न हो रही हो सड़कें, जब दूरदर्शन न उगलता हो किसी मदांध विश्वनेता द्वारा छेड़े युद्ध की दास्तान। आना जैसे ठंडी हवा का झोंका आया अभी अभी, आना जब युद्ध की समाप्ति की हुई हो घोषणा अभी अभी। आना जब धन बहुत न हो पर हो, आना जब धन बहुत न हो पर हो यानी इतना कि बारिश में भीगते ठहर कर कहीं पी सके एक प्याला गर्म चाय, कि ठंड की दोपहर में निकल सके दूर तक और जेबों में भर सके मूंगफलियां, बैठ सके रेलगाड़ी में फिर लौटे बिना टिकट छुपते छुपाते खत्म होने पर अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी। आना जब बहुत सरल न हुई हो जिंदगी, जब आत्मदया से डबडबाया हो मेरा मन, जब असफलताएं छाई हो घनघोर निराशा की तरह, जब उठता हो अपनी क्षमता पर से मेरा विश्वास, तब देखो मत आना दया या उपकार की तरह, आ सको तो आना बरसते प्यार की तरह। छूना मुझे एक बार फिर और देखना बाकी है सेहरन, वहां अब भी जहां छुआ था तुमने मुझे पहली पहली बार। झुकना जैसे धूप की ओर झुके कोई अकेला गुलाब, और देखना बस ही है स्मृतियां, अब भी वही सुगंध, वही भीनी भीनी सुगंध। पुकारना मुझे लेकर मेरा नाम उसी जगह से, और सुनना प्रतिध्वनि में वही तुम्हारा प्यारा नाम। इतना हल्का कि उड़ सकूं पूरे आकाश में, इतना हल्का कि उड़ सकूं पूरे आकाश में, इतना पवित्र कि जुड़ सकूं पूरी पृथ्वी से, इतना विशाल कि समेट लूं पूरा विश्व अपने में, इतना कोमल कि पहचान लूं हल्का सा स्पर्श, इतना समर्थ कि तोड़ दूं सारे तटबंध। देखना मैं बदलूंगा एकदम अगर तुम आ गई अचानक। अंतिम है, देखो तुम अब आ भी जाओ, हो सकता है तुम्हारे साथ ही आ जाए मेरे अच्छे दिन। इधर मैंने शब्द युग्मों पर कुछ कविताएं लिखी हैं, उनमें से एक कविता आपको सुनाऊंगा। शब्द युग्म वो हैं जो हमारे जीवन को संतुलित रखते हैं। इसका नाम है छोड़ो यार, इसका बहुत हम प्रयोग करते हैं। पीठ पर प्यार भरी थपकी था छोड़ो यार, पीठ पर प्यार भरी थपकी था छोड़ो यार, जीवन की अंतहीन लेकिन निरर्थक लड़ाइयों में दार्शनिक हस्तक्षेप था छोड़ो यार। अंधेरे रास्तों पर भटकने के बाद अचानक आए रोशनी के चमकते बिंदु की तरह था छोड़ो यार। दोस्ती की सीमा पर खड़ा परिधि के बाहर की अतल गहराइयों से सावधान करता चेतावनी संकेत था छोड़ो यार। कभी जीवन में वापस लौटने का आह्वान था, और कभी व्यर्थ के संघर्ष से बाहर जाने का रास्ता छोड़ो यार। अब और क्या कहें छोड़ो यार के बारे में, छोड़ो यार। ये पत्नी के बारे में कविता है। धागा सुई में डाला जैसे हर बार, डालती होगी फुर्ती से आर पार। धागा सुई में डाला जैसे हर बार, डालती होगी फुर्ती से आर पार।
पर इस बार अनुभव था बिल्कुल अलग, सुई अलग थी, धागा अलग। हाथ धीरे से कांपा, दिल अभी कितना कुछ तो रह गया है अपने आसपास पढ़ा अनपढ़ा, कितना कुछ तो बचा है दुनिया में देखा अनदेखा। अभी तो ठीक से किया भी नहीं प्यार, कहाँ बन पाया है ठीक ठीक अपना सारा संसार। पर सच ये था कि सुई चुभी थी अभी अभी अंगूठे के बोर में, और उस पर टिका था रक्त का एक बिंदु अद्भुत संतुलन के साथ, उसी तरह जैसे आंखों के कोर में टिका था आंसू, गिरा कि अब गिरा। थोड़ा हूं थोड़ा बाहर, इधर घर बनाया है शहर से कुछ दूर, इस तरह थोड़ा शहर में हूं थोड़ा बाहर। इधर घर बनाया है शहर से कुछ दूर, इस तरह थोड़ा शहर में हूं थोड़ा बाहर। लिखता हूं पर रहता हूं गोष्ठियों से दूर, लिखता हूं पर रहता हूं गोष्ठियों से दूर, इस तरह थोड़ा साहित्य में हूं थोड़ा बाहर। अब उम्र पहुंची 50, इस तरह थोड़ा जीवन में हूं थोड़ा बाहर। ये बहुत पुरानी कविता है, जो युवावस्था की कविता है। जितना संभव था किया, मसलन पाई अपराध बूथ पर विजय, अंधेरी गुफा के पार झांका, देखा आकाश के बीच चलता रास्ता, तारों को टकटकी लगाकर ताका, समय कम था जिया, जितना संभव था किया। प्यार में डूबा नहीं डूबने से बचा, कह दिया खुलकर अगर कोई नहीं जचा, आकाश फटा था सिया, जितना संभव था किया। किताबों में भटका रास्तों में अटका, कहीं बना जादूगर कहीं खेल नटका, बहुत बहुत पाया कहाँ रख पाया, लेना क्या था दिया, जितना संभव था किया। अब एक दूसरे मुंह की कविता है। हमारे घरों में जब जो वृद्धजन होते हैं, आज की जीवन शैली में बहुत अकेले पड़ जाते हैं, वो कितने कितनी चीज से अपना नाता तो जोड़ते हैं, तो हमारी अम्मा रेडियो उनके किराने रहता था, ये कविता उसके बारे में है। सिराने रहता था वो उनके किसी दोस्त की तरह, कि जब भी चाहें कर सकें उससे बात, सुबह सवेरे बिस्मिल्ला खान करते मंगल ध्वनि से उनके दिन की शुरुआत, और फिर हरिओम शरण के भजनों के साथ वे लेती अपनी पहली चाय, हम सोकर उठते उसके पहले वे कर लेती अपने पौधों की देखभाल, संगीत संध्या के शास्त्रीय गीतों का रस लेते हुए। मैं जब भी लौटता घर सुबह की किसी ट्रेन से, वे मिलती मुझे दरवाजे पर ज्योति बाट, कि उनका दोस्त रेडियो पहले ही सुना चुका होता उन्हें गाड़ी के भोपाल पहुंचने का सही समय। लंबी दोपहरी में जब हम रहते काम पर, वे चौपाल पर सुनती लोकगीत, और अक्सर शाम को लौटने पर सुनाती कोई नीति कथा जिसने गहरे छुआ होता उनका मन। हालांकि पहचानती थी वे समाचार वाचक की आवाज, पर खबरों से चिढ़ थी उन्हें कि इस मरी दुनिया में मची थी अजीब मारकाट, बाढ़ भूकंप और दुर्घटनाएं और आसमान छूती महंगाई, चैन नहीं लेने दे रहे थे आदमी को किसी भी तरह। 15 अगस्त और 26 जनवरी अब भी विशेष दिन थे उनके लिए, देशभक्ति के गीत अब भी उन्हें जोश से भरते और याद दिलाते उन पुराने दिनों की, जब दादा के साथ वे भी जाती शाला में झंडा वंदन करने, सुबह सुबह नहाने और साफ सुथरी साड़ी पहनने के बाद वे बैठती रेडियो के सामने और ध्यान से सुनती प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के भाषण। ये सबने मिलकर लड़ी थी आजादी की लड़ाई, पर आजादी है तो सब कुछ है। तब जब सही समय नहीं था हमारे पास उनसे बात करने के लिए, रेडियो से बांटा उन्होंने अपना अकेलापन। उनके जाने के बाद आज भी रखा है वो उनके सिरहाने, और यकीन मानिए आज भी आती है उसमें से कभी कभी अम्मा की आवाज़।